ज फर्स विल टाटा एनर्जी इज दैट इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं या शेयर होल्डर बनना चाहते हैं इस कंपनी में तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एंड द सेकंड लाइक आई मैं विल भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को बिगिन करते हैं

और आईटी बिना टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करना इजी नहीं है सो टीसीएस हैज़ कम फॉरवर्ड एंड दे हैव सेट दैट अक्रॉस द ग्लोब ऑन एनी गिवन डे एंड द कंपनीज़ वर्किंग इन इंडिया ऑन अ कंट्री स्पेसिफिक गेयर्स फॉर द नेटवर्क टी हेड फॉर कम्युनिकेशन मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कमाल भदादा टोल पी टी आई द कंपनी इज ऑलरेडी हेल्पिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स अक्रॉस द ग्लोब इन मैनेजिंग दर नेटवर्क स्वैपिंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स फर्दर उन्होंने कहा है वन आस्ट अबाउट द रेडीनेस ऑफ टी सी एस टू रोल आउट मतलब कितना जल्दी टी सी एस रेडी हो जाएगा फाइव जी नेटवर्क के रोल आउट करने के लिए तो उन्होंने कहा है कि टी सी एस कैन स्टिच इट टूडे मतलब आज आप बोलेंगे तो भी टी सी एस अपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने को रेडी है टी सी एस इज डूइंग इट टूडे सो इट्स नॉट अबाउट वेदर टी सी एस इज रेडी और नॉट टी सी एस इज रेडी वॉट वी आर वर्किंग फॉर फॉर इन इंडिया इज इंडिया स्पेसिफिक स्टैक तो ये कहा है इनके मैनेजमेंट ने तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है अगर आप टी सी एस के शेयर होल्डर्स हैं लाइक मैंने मैंशन किया दे आर इन टॉक्स विद भारतीय एयरटेल तो आने वाले समय में एयरटेल पर भी आपको फोकस रखना है अगर कुछ ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज आती है कुछ अप्रूवल होता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में भी आप हलचल देख सकते हैं एंड दी अदर न्यूज इज़ दैट टी सी एस का जो बाय बैक था वो आज ऑफर क्लोज हुआ है मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप में से कितने सारे लोगों ने टी सी एस के बाय बैक में पार्टिसिपेट किया है वैसे मैंने वीडियो में डिटेल वीडियो बनाया था कि हाउ पार्टिसिपेटिंग इन टी सी नॉट ओनली टी सी एस बाय बैक बट इन जनरल लूक्रेटिव बाय बैक्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देख के टी सी एस के बायबैक में पार्टिसिपेट किया है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वैसे टी सी एस के बाय बैक में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कंपनी में कंपनी को वन कम्स टू बायक एंड द एंटाइटलमेंट ये है कि अगर आपके पास सेवन शेयर्स हैं तो उसके बदले में वन शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे देखिए और एक्सेप्टेंस रेशियो विल बी समवेयर अराउंड बिटवीन एंड नाउ बेसिकली क्या रहता है पहले लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी तो एक्सेप्टेंस रेशो फिफ्टी सेवेंटी परसेंट तक भी जाता था लेकिन टीसीएस को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है काफी सारे लोगों ने शेयर्स टेंडर किए हैं अब जितना ज्यादा लोग टेंडर करेंगे उतना ही आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो डाउन चला जाएगा और वही हुआ है कि समवेयर अराउंड 14 टू 15 परसेंट इसका एक्सेप्टेंस रेशियो है तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने अगर अपने शेयर्स टेंडर किए हैं तो ऑब्वियसली आपका ये एडवांटेज रहेगा कि जो टाइ बायबैक में जो आप पैसे अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं सो वो एक बहुत बेनिफिट रहेगा आप चाहते हैं तो ओपन मार्केट में से भी ये शेयर्स परचेस कर सकते हैं बिकॉज फंडामेंटली टी सी एस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी थोड़ा अगर हम टी सी एस के बारे में जाने सो इट इज़ द फोर्थ एंड द बिगेस्ट बाय बैक इन द पास्ट फाइव ईयर द प्रीवियस बाय बैक्स ऑफ द आई टी जॉइंट वर वर्थ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड क्रोर्स तो कंपनी भी अच्छी है और बायबैक भी काफी बड़ा था इनका और एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लाइक आई मैंशन बाय बैक का बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि वो टैक्स फ्री होता है एफ से बेटर रिटर्न आपको बना के देता है और एक श्योर शॉर्ट रिटर्न रहता है और जैसे जैसे लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही आप देख सकते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स टी सी एस के बाय बैग को मिला है ये पहले ऐसा इंडिया में नहीं होता था लेकिन अब जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं लोग पीपल हैव रियलाइज दैट दिस इज हाउ मनी कैन बी मेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट तो अगर आपने ये बाय बैग मिस भी कर दिया है तो बहुत सारे बाय बैग बहुत दूसरी कंपनीज भी बाय बैग लेकर आती हैं

इंडिया का जो पावर एक्सचेंज है दैट इज आई एक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे पावर ट्रेडिंग होती है जैसे हम लोग बी पे हमारे स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे पावर की ट्रेडिंग होती है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग फाइव टू टेन ईयर्स पावर ट्रेडिंग इंडिया में काफ़ी बूस्ट होगी जो अभी करंटली फाइव परसेंट किया इट विल बी समवेयर अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रॉक्सीमेटली तो इतना स्कोप रखता है ये सेगमेंट इंडिया में करेंटली आई एक्स एक मोनापली इंजॉय कर रहा है अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि टू हंड्रेड के लेवल पर वन नाइन्टी टू टू हंड्रेड के लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा ये स्टॉक के लिए और वही हुआ है कि वहीं से हमने स्टॉक में एक बाउंस बैक देखा है अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जहाँ खड़ा हुआ है वो उसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है देखिए स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है यहां पे सपोर्ट लिया है यहां पे सपोर्ट लिया यहां से सपोर्ट उसका ब्रेक डाउन हुआ है और यहां पे लगातार अभी अभी स्टॉक 240 के अगर ऊपर निकलता है तो देखने वाली बात होगी लेकिन इससे पहले तो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आया था सो ऑन द डाउन साइड अगर आपने मेरे बाइंग लेवल से 200 के लेवल से लिया है तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे होंगे लेकिन 240 फोर्टी ऑन द अप साइड इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल फॉर दिस स्टॉक टू दिसर्टी ऑन द अप साइड इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल अगर स्टॉक टू फोर्टी के ऊपर निकलता है विद हाई वॉल्यूम्स द फर्स्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक अप समवेयर अराउंड टू सेवेंटी के आसपास uh, 270 टू 280 के बीच में आप रख सकते हैं फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट राउंड थ्री हंड्रेड 300. 300 के ऊपर निकलता है तो 320 जो स्टॉक का 52 वीक हाई है आप उसको भी एक 20 पॉइंट की रैली भी आप स्टॉक में देख सकते हैं लेकिन अगला बड़ा मोमेंटम ये स्टॉक में तभी आएगा जब स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर जाएगा लेकिन ये सब पूरा होने में काफी टाइम लगेगा अभी आपका मेन इंटेंशन या फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या स्टॉक टू के ऊपर निकलता है विद हाई वॉल्यूम सब आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक को टू के लेवल्स को रीच करता हुआ भी देख सकते हैं एंड लाइक आई ऑन द इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर दिस स्टॉक करेंटली अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लर्निंग है आपके लिए जो इधर बन रही है ये जो आप देखेंगे कप विथ हैंडल का पैटर्न बना दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल और यहां पर से ये देखिए ये लेवल से या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या यहां से स्टॉक नीचे आ सकता है इसी वजह से मैंने कहा कि 240 का एक अच्छा लेवल है जहां पे आप ये स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं अगर हाई वॉल्यूम के साथ आज जो स्टॉक में तेजी आई है कंपेयर टू द प्रीवियस टेन डेज वॉल्यूम थोड़े इंक्रीज हुए थोड़े मामूली से लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाता है मूव ये देखने वाली बात होगी तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप आई को भी कंसिडर कर सकते हैं सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट यू कैन ऑलसो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द लिंक Is in the description. You can ask me queries in the comment section or simply DM me on Instagram.